आने वाले 25 तारीख को संत राम रहीम की कोर्ट में सुनवाई है, जिसका फैसला आना बाकी है। इसके चलते उनके अनुयायियों में भारी रोष है। पानीपत में हजारों की संख्या में डेरे के अनुयायी इकट्ठा हुए और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनके गुरु के खिलाफ कोई भी फैसला आया तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। डेरे के अनुयायी लाठी डंडे लेकर मीटिंग में पहुंचे और खुले तौर पर सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आए। 6 करोड़ की 7 करोड़ की जो संगत है ना, वो इतनी आग बबूला हुई पड़ी है कि अगर हमारे गुरु जी की इज्जत पर, सम्मान पर इतनी भी ठेस आई सुई के नोक फेंकने जितनी भी, तो ये संगत जो कुछ करेगी वो आज तक ना किसी ने देखा होगा और ना किसी ने सुना होगा। पानीपत में साध संगत ने नाम चर्चा कर कहा कि वो अपने पूज्य गुरु के खिलाफ रची जा रहे षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो अपने गुरु के लिए मर मिटने को तैयार है। डेरा सच्चा सौदा पाक साफ है। आज तक डेरा सच्चा सौदा के गुरु ने तो क्या, संगत ने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों कुछ शरारती तत्वों ने डेरे के गुरु को एक षड्यंत्र के तहत फंसाना चाहा है, जो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल सारे झूठे हैं और 15 सालों से हमारे गुरुजी को परेशान किया हुआ है, लेकिन अब हम अपने गुरुजी को कोर्ट में नहीं जाने देंगे और ना ही हम सहन करेंगे। अगर कोई भी इल्जाम हमारे पिताजी पे लगा दिया तो देखो क्या करेंगे हम। ये देख लो कितनी संगत आई हुई है, बताने की जरूरत नहीं है हमारे को, अभी हम क्या करेंगे। जिस दिन अगर फैसला हमारे हक में ना है, कोई भी नेगेटिव थोड़ा सा भी ये कहते हैं कि हम सतगुरु का वो कर देंगे, ये कर देंगे, अगर किसी ने भी सतगुरु ने अगर अपना नाखून काट के नीचे जमीन पे फेंक दिया और किसी सब असामाजिक तत्व ने वो नाखून भी उठा दिया ना, फिर वो परले आएगी, वो परले जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। वो क्या जा रहे हैं हमारे सतगुरु के बारे में, पिताजी बोलते हैं हम पिताजी, और जब किसी के किसी बेटे के बाप पे आ जाए वो बेटा ही जान सकता है उसके अंदर क्या होता है। हम अपनी भावनाओं को ऐसे बोल के व्यक्त नहीं कर सकते, हमें नहीं पता हम क्या करेंगे, हम खुद नहीं जानते, लेकिन जिस इंडिया का नाम इस वर्ल्ड में हमारे पिताजी ने चमकाया है, अगर हमारे पिताजी पर कोई आंच आ गई तो 1 सेकंड नहीं लगेगी इस इंडिया को नक्शे से मिटाने में। आपको बता दें कि साध्वी यौन शोषण मामले में 25 अगस्त को फैसला आना बाकी है और इसी को लेकर हरियाणा के हर शहर में पुलिस ने कड़ी व्यवस्था कर दी है। सुरक्षा के लिहाज से हरियाणा सरकार भी मुस्तैद दिखाई दी है। संबंध में आज हमारे एडी लाइन और कुछ हमारे को गाइडलाइन दी है और कुछ सुझाव दिए हैं, उसके अनुसार उस पर हम अपनी कार्रवाई तो हमारे पास पैरामिलिट्री की भी फोर्स है और पार सिविल फोर्स आई है और खुद हमारे बीच में है तकरीबन 2000 के करीब हमारे मुलाजिम इसमें हाजिर है। ये लोग इकट्ठे ना हो चाहिए इस संबंध में, अभी जो डीसी साहब ने जो ऑर्डर पास कर रखे हुए उसके बारे में बता दिया जाएगा। पानीपत से अशोक राणा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।